नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप बहुत खुश होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कंटलेस के हमारे चैनल पर अभी टिकटॉक सीरीज चल रही है। मैं आपको टिकटॉक की हर एक ऐड कैंपेन के बारे में बता रहा हूं, हर एक वीडियो आपके लिए आपके पास जल्दी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप उन सब चीज़ों को पढ़ सकें। और अगर आपकी कोई ऐड चलाना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं टिकटॉक पे, तो आपका वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा लोग हमारे वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे। प्लीज़ आप हमें बताइए कि हम टिकटॉक का जो पिक्सल है अपनी वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है। तो आज की वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि आप टिकटॉक का जो पिक्सल अपनी वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में। करीब 2 से 3 मिनट के पूरी वीडियो है, इसको आप ढंग से सीख लेंगे, एंड तक देख लेंगे तो आप आसानी से पिक्सल क्रिएट कर पाएंगे। और आप अगर लीड जनरेशन वगैरह ऐड चलाएंगे टिकटॉक पे तो आप आसानी से पूरा ट्रैक कर पाएंगे, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ कर रहे हैं, आप एक नया स्टेप ले रहे हैं, एक नए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ले रहे हैं जहाँ पे आप ऐड चलाएंगे टिकटॉक पे, तो उसका पूरा ट्रैक कन्वर्जन, उसका पूरा प्रॉपर आप उसको एनालिसिस कर सकें, आखिर आपका ऐड कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक बिजनेस कैसा ग्रोथ हो रहा है, पूरा आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। इसलिए टिकटॉक का पिक्सल्स को वेबसाइट में वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने मैनुअली बताया, आप जाके एक एक स्टेप को कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो जाके पहले इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद हम ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। सर्किट हाउस, spread of novel coronavirus can be stopped. Covering your mouth with hanky and tissue while coughing and sneezing could stop spreading it. Help us to help you. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी लाइफ में उन सब चीजों पे काम करेंगे ताकि आप इस महामारी कोरोना वायरस से बच सकें और आप सेफ रह सकें। दोस्तों हमारी गवर्नमेंट हर इनिशिएटिव ले रही है ताकि आप लोगों को स्वस्थ और सेफ रखा जा सके इस बीमारी से। इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने परिवार यानी टॉप ग्रूस फैमिली को हर एक वो चीज बताऊं ताकि आप भी इस महामारी से बच सके। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कॉलोनी में कोई बाहर से आया है तो प्लीज उसको इन्फॉर्म करें, यानी बाहर मतलब विदेश से आया है तो प्लीज उसका इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दें, पुलिस को दें, ताकि उसका एक बार चेकअप हो सके कि वो कोरोना वायरस में पॉजिटिव तो नहीं है। या फिर अगर आप खांसी जुखाम अगर आपको है तो प्लीज सेफली इसको आप उसको कोनी लगा के या फिर आप उसको मुंह पे हाथ रख के खांसी खा सकते हैं या छींक सकते हैं। तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क पहने और दिन में कम से कम हर 15-20 मिनट बाद अपने हाथ को सैनिटाइज करें, चाहे सैनिटाइजर के थ्रू या फिर आप कोई भी डिटॉल के थ्रू या फिर आप कोई भी जो सोप यूज करके आप अपने हाथों क्लीन रख सकते हैं। और दोस्तों, सेफ रहें, स्वस्थ खाएं, बाहर ना जाएं फालतू को जब प्लीज़ घर में अपने सेफ रहें। तो दोस्तों, ये तो हो गए प्रिकॉशंस, अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन टीचिंग की। तो ऑनलाइन के बारे में आज आपको जो वीडियो बताएंगे वो टिकटॉक पिक्सल से, तो प्लीज़ जाके अब आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। बात करने जा रहे हैं कि हम अगर टिकटॉक का जो पिक्सल है अपनी वेबसाइट में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हम एक छोटी से लेकर बड़ी चीज को आसानी से ट्रैक कर सके, अपनी देख सके कि हमारे जो बिजनेस है या हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे ग्रोथ हो रहा है, उस चीज को हम आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, पहले वर्डप्रेस की वेबसाइट पर आपको बता दूं कैसे आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एडवर्टाइजिंग का पेज है, यहाँ डैशबोर्ड है, ये मैंने ऑलरेडी आपको कैंपेन्स बनाने भी सिखाए हैं, तो यूसी पेज पे आना है आपको। उसके बाद डैशबोर्ड, कैंपेन, लाइब्रेरी में आपको जाना है, थर्ड वाले ऑप्शन में। थर्ड वाला जो लाइब्रेरी ऑप्शन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है इवेंट का, इवेंट पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जैसे आप इवेंट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐप इवेंट दे रखा है, वेबसाइट पिक्सल दे रखा है, तो हमें वेबसाइट पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल करना है, तो हम मैनेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैनेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे पिक्सल पहले क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम क्रिएट पिक्सल पे क्लिक करेंगे और हम आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे पिक्सल का नाम देना होगा, मैं अपनी वेबसाइट का दे देता हूँ नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जैसी वेबसाइट का दे दूंगा उसके बाद मैं इसको सेव पिक्सल एंड सेट रूल्स पर क्लिक करूंगा। और देखिए दोस्तों, अगर आप थर्ड पार्टी के टैग मैनेजमेंट के थ्रू करना चाहते हैं, गूगल टैग मैनेजर होता है, इसके अंदर आपको सारे पिक्सल सॉर्ट करने होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हमारे चैनल वाली वीडियो आप जाकर वो भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले मैनुअली करना सिखाता हूं कि अगर आप मैनुअली केवल टिकटॉक अपनी वेबसाइट में डालना चाहते हैं तो आप कैसे डालेंगे। तो मैनुअली इंस्टॉल द कोड पर आप क्लिक करेंगे और फिर आप अपनी जो वेबसाइट है जो वर्डप्रेस से बनी हुई है, आप एचटीएमएल पर करना चाहते हो एक पेज पर आप जाकर कर सकते हैं, लेकिन आज आपको मैं वर्डप्रेस पे बताऊंगा। वर्डप्रेस पे दोस्तों आपको पहले डैशबोर्ड पे आ जाना, होम पेज पे, इसके बाद एडमिन में। एडमिन में आने के बाद दोस्तों आपको जाना है अपीयरेंस में।
अपीयरेंस पे दोस्तों आपको जाना है थीम एडिटर पे, ठीक है दोस्तों। थीम एडिटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड पे देखना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको थीम हेडर का एक दिखाई देगा ऑप्शन, दिखाता हूँ आपको दोस्तों। यहाँ पे थीम हेडर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको थीम हेडर पे क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे आप थीम हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कोडिंग्स आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। आपको दोस्तों इससे घबराना नहीं है, सिंपल सा मैं आपको फंडा बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओपन हो जाएगा देखिएगा 9th या 10th नंबर पे आपके पास आ रहा होगा हेड करके लिखा होगा, ठीक है। और उसके नीचे लिखा होगा मेटा 4 सेट करके समथिंग, देखिए ध्यान से देख लीजिए मेटा 4 सेट PHP ब्लॉग इन्फो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पहले यहाँ भी बता देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट द बिलो पिक्सल कोड टू द स्पेसिफाइड लोकेशंस, कॉपी एंड पेस्ट द बिलो पिक्सल कोड टू द स्पेसिफाइड लोकेशन, फाइंड द हेड डैश हेड टैग इन योर वेब पेज, ठीक है। अब देखो 9th नंबर पे मेरा 10th नंबर पे है, अब मैं इसको हेड के बाद एक एंटर दूंगा और उसके बाद मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी पिक्सल कोड पे क्लिक करना है आपको। अगर कॉपी हो गया अब इसको बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। पेस्ट जैसे आप कर देंगे तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, देखिए हेड भी है पूरा यहाँ पे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपडेट फाइल करना है। अपडेट फाइल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक कुछ सेकेंड्स लेगा अपडेट होने के लिए, और ये कह रहा है फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, यानी आपकी फाइल एडिटेड हो चुकी है। अब यहाँ पे कंप्लीट पे करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है पिक्सल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपको करना कस्टम, आपको यहाँ कन्वर्जन सेट करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप कस्टम कन्वर्जन सेट करेंगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आती है, इवेंट ऑन इनलाइन एक्शन, इवेंट ऑन पेज लोड, पेज लोड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये पूछता कौन से पेज URL पे आप लगाना चाहते हैं। देखिए जब भी आप वेबसाइट में कोई कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है या फिर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जब आपको सब्सक्रिप्शन करता है इंसान, जब पॉपअप वगैरह आते हैं तो उसके बाद आपका थैंक यू का पेज आता है, तो आपको थैंक यू का यहाँ पे मैं पेज डाल देता हूँ। हर वेबसाइट में होता है, जो भी बंदों ने वेबसाइट बनाएंगे तो उनको आसानी से पता होगा। कन्वर्जन में आप लीड जब भी, देखिए दोस्तों ये मेन जो क्या होता है लीड्स का, जो जब आप चलाएंगे तो लीड्स, जब भी आपको लीड्स वगैरह टिकटॉक एड्स चलाएंगे, लीड जनरेशन एड, तो उसके लिए आप पूरा इसको ट्रैक कर पाएंगे, इसलिए हमें कोड इंस्टॉल कर रहे हैं। कन्वर्जन में आप लीड्स दे दीजिए, कोई इश्यूज नहीं, ठीक है दोस्तों। कन्वर्जन टाइप की अगर हम बात करें तो कन्वर्जन टाइप के बाद कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म आता है उस पर थैंक यू आता है, जैसे आप थैंक यू का ऑप्शन आएगा तो तुरंत आपको लीड्स का ये इसका आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, क्या है आपके पास लीड चल रही, कैसे क्या चल रहा है, आसानी से ट्रैक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर लीजिए या फॉर्म सबमिशन पे कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आपको कंप्लीट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ जाता है, क्रिएट पिक्सल सक्सेसफुली आपका क्रिएट हो चुका है, देखिए यहाँ पे नेम लीड दे दिया, कन्वर्जन टाइप कॉन्टैक्ट दे दिया, पिक्सल टॉक यूज का दे दिया, तो इस तरीके से आपका पिक्सल पूरा यहाँ पे सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब आसानी से आप इस तरीके से ही अपने HTML में कर सकते हैं, आप अलग PHP में भी आप आसानी से पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख हमसे पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको कोई लगता है कोई क्वेरी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख हम उससे पूछ सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बनाए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज स्टॉक और इस तरह की वीडियोज आपके लिए लेके आ रहा है और हर इनिशिएटिव ले रहा है ताकि आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, हमें इस तरीके से प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आप भी ग्रो हो और हम भी ग्रो करिए। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, फिर आपके लिए कुछ लेके आऊंगा नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सब सोशल मीडिया पेजेस को करिए फॉलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप क्लूज। Thank you.